इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज अब तुर्की बनता जा रहा है। इसकी वजह है तुर्की के सदर जनाब तैयब अर्दोगान दुनिया के किसी भी मुल्क में मुस्लिमों पर होते जुल्म ज्यादती के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हाल ही में अजरबैजान और आर्मेनिया की जंग में तुर्की ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया, ना सिर्फ हिमायत की बल्कि फौजी इमदाद भी भेजी। वाज़ह रहे कि आर्मेनिया क्रिश्चियन मुल्क है तो अजरबैजान मुस्लिम मुल्क है। तुर्की की फौज में मजहबी जज्बात के सहारे जंगों के लिए उभारना तैयब अर्दोगान को खूब आता है, लिहाजा कहीं पर भी मुस्लिमों पर ज्यादती की जाती है इसके लिए आवाज़ उठाने वाला मुल्क के तौर पर तुर्की को देखा जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि खिलाफत उस्मानिया के दौर को वापस लाने का ख्वाब तैयब अर्दोगान देख रहे हैं। सिर्फ जज्बाती फैसले ही सदरे तुर्की नहीं लेते बल्कि जंगी मनसूबाबंदी में भी तैयब अर्दोगान को तजुर्बा है। दुनिया का सबसे मकबूल तरीन ड्रामा अर्तुगरुल गाजी को इस्लामी जज्बे को परवान चढ़ाने की साजिश के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसकी मुखालफत यूरोप और दीगर गैर मुस्लिम मुल्कों की जानिब से किया जा रहा है। तुर्की दुनिया के तकरीबन मामलों में दखल दे रहा है, तुर्की मुसलमानों के हिमायती के तौर पर उभर रहा है, लिहाजा अमरीका, इसराइल, रूस, नाटो, मुत्तहिदा यूरोप से दुश्मनी भी मोल ले रहा है। खिलाफत उस्मानिया इस्लामी तारीख का वो सुनहरा बाब था जो तकरीबन 600 सालों तक दुनिया पर हुकूमत करता रहा, जिसकी हुकूमत यूरोप से लेकर मौजूदा ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बेलकांस, ग्रीस, यूक्रेन, इराक, सीरिया, इसराइल, फलस्तीन, मिस्र तक फैली हुई थी। 16वीं और 17वीं सदी में हुकूमत का दायरा और भी बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि अफ्रीका के अल्जीरिया से लेकर अरब ममालिक पर तसल्लुत बढ़ता ही गया। दूसरी जंग अजीम के बाद 1924 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ और तुर्की मुल्क वजूद में आया। 1928 में इसे सेक्युलर मुल्क के तौर पर ऐलान किया गया। इसके बावजूद इस्लामी तहजीब का असर अवाम में तब भी देखा जा रहा था, पर 2002 में तैयब अर्दोगान इख्तदार पज़ीर हुए। खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद यूरोपियन तहजीब का असर भी तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक में नज़र आ रहा था। कहा यह भी जाता है कि तैयब अर्दोगान ने तारीख को दोहराने के लिए एक आज़म के तहत दीगर ममालिक से अपने ताल्लुकात को बढ़ाना शुरू किया। इस मुल्क की सरहदें 8 मुल्कों से लगी हुई है। पड़ोसी मुल्कों से दोस्ताना ताल्लुकात कायम करने की कोशिश में भी सदर तुर्की कामयाब रहे। दूरंदेशी और जंगी मंसूबे के तहत दीगर मुल्कों के अंदरूनी या दो मुल्कों के दरमियान सुलह करने का काम भी बखूबी अंजाम दिया। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में तुर्की एम्बेसी का कयाम अमल में लाया गया। बलकांस और मिडल ईस्ट में सरमायाकारी की, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाए। इसराइल फलस्तीन मामले में भी बड़े ही डिप्लोमेटिक अंदाज में तुर्की अपना किरदार निभाता रहा। कभी इसराइल के नेतन्याहू से बात करता दिखता है तो वही हमास और इसराइल के जालिमाना रवैये की खुलकर मजम्मत भी करता है। 2010 में फलस्तीन मामले में तुर्की ने खुलकर हिमायत की और अमेरिका इसराइल की मजम्मत भी की। अब आहिस्ता आहिस्ता तुर्की अपनी पॉलिसी को खुलकर जाहिर करता दिखाई दे रहा है। तभी तो सऊदी अमेरिका के खिलाफ कतर की हिमायत की तुर्की सऊदी की मुखालफत इसलिए करता है क्योंकि अमेरिका के इशारे पर सऊदी कठपुतली बना हुआ है। मिस्र की भी मुखालफत मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए करता है। मुसलमानों की तंजीम के साथ मिस्र ने अच्छा रवैया नहीं किया, ऐसा तुर्की का कहना है। कईयों का कहना है कि यह तुर्की अब इस्लामी सोच फिक्र पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है क्योंकि बशर अल असद के खिलाफ इस्लामी मुजाहिदीन की हिमायत भी तैयब अर्दोगान ने की थी। एक बार फिर अजरबैजान, फलस्तीन और कश्मीर पर अपनी राय का इजहार बार बार करते हुए इन्हें अपनी हिमायत हासिल होने का ऐलान करता रहता। इस्लामी जज्बे के सबक तुर्की की फौज और आवाम को पढ़ाया गया। तुर्की ने पिछले 20 सालों में इस्लामी तालीमात को जिंदा करने का काम किया है। कुरान और हदीस की तरफ लोगों का झुकाव भी दूसरे ममालिक से कुछ ज़्यादा ही देखा जाता है। जब सारी दुनिया में कोरोना आलमी वबा के मद्देनज़र मस्जिदों को बंद कर दिया गया था तो तुर्की में मस्जिदों में कई जमातों के साथ नमाजें अदा की जा रही थी। खिलाफत उस्मानिया को दोबारा कायम करने की कोशिश तुर्की कर रहा है तो सऊदी, मिस्र, अमेरिका की आड़ में इस्लामी दुनिया की कमान अपने हाथ में रखना चाहता है। हरम शरीफ
और मदीना मुनव्वरा की मेज़बानी तुर्की के अख्तियार में ना जाए इसकी पूरी कोशिश सऊदी अरब कर रहा है। तुर्की किसी हाल में खिलाफत कायम करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इसका कहना है कि दुनिया भर में जहां भी मुस्लिमों पर जुल्म ज्यादती होती है तो सऊदी खामोशी इख्तियार करता है, मामूली मजम्मत तक नहीं करता। इस्लामी मुल्कों की आलमी तंजीम बनाने की भी पूरी कोशिश तुर्की कर रहा है, लिहाजा अफगानिस्तान से लेकर मलेशिया तक इसी खिलाफत के तहत मनसूबाबंदी तुर्की खामोशी के साथ कर रहा है। सारी दुनिया की तवज्जो आने वाले दिनों में तुर्की के इकदाम पर रहेगी, पर सवाल ये उठता है कि क्या मुस्लिम सुपर पावर बनने में तुर्की कामयाब होगा। इससे पहले किसी न किसी तरीके से प्रोपोगंडा के तहत मुस्लिम ममालिकों पर मुख्तलिफ बहाने बनाकर हमले भी किए गए थे। अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक, सीरिया, फलस्तीन तक तारीख को दोहराने का अज़्म क्या अर्दोगान मुकम्मल करेंगे, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। पर इतना ज़रूर है कि तुर्की मुस्लिम ममालिकों के साथ चीन, रूस को भी अमरीका, यूरोप के खिलाफ अपने गिरोह में शामिल कर रहा है, जिसका मतलब अब अमेरिका और साथियों के लिए ये जंग आसान नहीं होगी। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।